इसी महीने ओडिशा में आप सभी ने बाली यात्रा का भव्य आयोजन किया, सफल आयोजन किया है। और अभी मैं यहां डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आया हूं और आप में से बहुत लोगों को आश्चर्य, यहां के मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य होगा, हमारे देश में लगभग 125 साल से ये डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हर वर्ष हो रहा है, 125 साल से, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है, 125 साल से डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उड़ीसा में पहली बार हो रहा है। देश भर के इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं वो दो दिन यहां बैठ करके महाप्रभु जी की इस पवित्र धरती से प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्र में जाने वाले हैं। अभी तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, अभी 4 दिन के बाद 4 दिसंबर को यहां पर नौसेना दिवस का अवसर इस बार पुरी में ऑफ डेमो 2024 का आयोजन हो रहा है। यह भी अपना अपना बहुत बड़ा अवसर होता है, वो भी पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करेगी। इसका मतलब कि पूरा उड़ीसा वैश्विक नजरों की केंद्र में आने वाला है और फिर एक महीने के भीतर भीतर 2025 में जनवरी महीने में ही 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का बहुत बड़ा आयोजन है, विश्व भर के लोग आने वाले हैं, दुनिया भर के लोगों का आपको स्वागत करने का अवसर मिलने वाला है। और यहां लोग जो भावनाएं लेकर के जाएंगे, पहले G20 में अलग प्रकार के लोग आए थे, ये हमारे देश के ही लोग हैं जो कई वर्षों से विदेशों में रहते हैं, वो सब आ रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।